जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अवध विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा जा रहा है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर में एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, ये आपके बीएड का शिक्षक बनने के प्रकरण में ये प्रथम स्टेप है, पहला परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं। परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, घबराइए मत, पेपर बहुत अच्छे से होगा, तैयारी पूरी कराई जाएगी। इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। आसानी से आप खुद से मोबाइल से भी भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म को। आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको आ जाना है अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर में एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, वो है एग्जामिनेशन फॉर्म की। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ आइए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का एक बॉक्स बना हुआ है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, इसको धीरे धीरे ऊपर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। कॉलेज एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2023 पे आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इस पे आपको अपना वाला चुन लेना है। आपका अपना क्या है, बीएड पार्ट वन रेगुलर। जो बच्चे इस बार एडमिशन फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो रेगुलर होगा, कोई बैक तो लगा नहीं है, कोई प्रीवियस तो है नहीं, तो रेगुलर यहाँ पे चुन लेना है। बीएड फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड एमएड पार्ट वन रेगुलर, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यूआईएन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे यूआईएन नंबर डाल लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। जैसे ही आप यूआईएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कुछ इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ये डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स वो है जो आपने यूआईएन में डाला है। सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड रहेंगी, आपको यहाँ पे कोई चीज़ें एडिट नहीं करना है। अगर करना भी चाहेंगे तो एडिट होगा नहीं, ये ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल परेशानी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस पेज के सबसे लास्ट में आ जाना है, ठीक है। तो हम सबसे इसको नीचे से स्लाइड करते हुए लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आप आएंगे तो आप सिंपल देखेंगे यहाँ पे, एक बार अपना नाम और पूरे डिटेल्स मैच करा लीजिएगा, वैसे कुछ एडिट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे सीधे क्लिक करना है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करिए। फिर लिखा है ऐड पेपर, ऐड पेपर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड पेपर पे क्लिक करते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के नाम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको ऊपर के जो 1, 2, 3, 3 पेपर जो दिए जा रहे हैं, वो सारे क्या हैं, आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो सारे बच्चों के कॉमन हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का। इसमें किन्हीं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। आपकी जो स्ट्रीम है, अगर आपने बायो से बीएससी किया है तो बायो फिजिकल साइंस, मैथ से बीएससी किया है मैथ फिजिकल साइंस, ग्रेजुएशन में जिस स्ट्रीम से आपने हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी, जो भी आपने किया है, जो भी आपका स्ट्रीम है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पेपर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में जल्दीबाजी मत करिएगा, अब एक बार अपने कॉलेज से डिस्कस कर लीजिएगा, कन्फर्म हो जाइएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिस बच्चे का बायो से क्या हो, उसने बीएससी किया हो, तो बायो से अगर बीएससी किया है तो पहला होगा मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा होगा मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस कहाँ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एनी 2, यानी कोई 2 ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे पे जाएंगे तो लिखेगा ओनली 2 पेपर अलाउड इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पेपर 4 और पेपर जो आपने सेलेक्ट किया, मतलब आप केवल 2 ही पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी 2। अगर मान लीजिए मैथ से किया तो फिजिकल साइंस और आप यहाँ पे मैथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक रहे हों, उसमें चूज कर लीजिए, एक बार कॉलेज में डिस्कस कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी वीडियो बनी है उस पर देख लीजिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पर आपकी हेल्प कर देंगे, ओके। अब आइए नीचे, सिंपली क्या करना है भाई, आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, कुछ ऊपर डिटेल्स तो भरना नहीं है, बस यहाँ पे आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपना 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको आपका फाइनल एक पेमेंट करने का आएगा। जब इसके बाद जो पेमेंट करने का आएगा ना, आप उसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, मैं बहुत बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ। जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। हो सकता है पेमेंट के बाद कोई दिक्कत असुविधा हो, असुविधा नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर कोई असुविधा होती है तो आप उस रेफरेंस नंबर से सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ पे हूँ, हम अगर कोई भी असुविधा होती है आप पूछिएगा, मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर वहाँ से जाके अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद अगर सक्सेसफुल होता है, पीडीएफ डाउनलोड होता है, पीडीएफ को अपने पास रखिए, कॉलेज में ले जाके जमा कर दीजिए, और निश्चिंत
पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाने की, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई असुविधा, कोई समझ में चीज़ें नहीं आई, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको आना है दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे आपको स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्लाइड करता हुआ ऑप्शन दिखाएगा। मैं चीज़ें फिर से रिपीट करने लग गया, मतलब यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे आप, चलिए बता देता हूँ ताकि एक बार फिर डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपना UIN नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए BEd Part 1 रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए, UIN नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। फिर उसके बाद सीधे वहाँ पे कुछ मत करिएगा, ऊपर देखिएगा मत, नाम और फोटो मैच कराइएगा, सिग्नेचर मैच कर, नीचे आ जाइएगा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पे क्लिक करिएगा, अपने दो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लिक करिएगा, सबमिट करेगा, पेमेंट करेगा, बस जय हिंद जय भारत कह दीजिएगा, काम खत्म। इसी तरीके से आपका सबमिट हो जाएगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी असुविधा होती है, छोटी से छोटी बात होती है, आप बेझिझक पूछिए, मैं कमेंट, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरते हुए मैं खुद बहुत सीरियस रहता हूँ कि मैं आपको हर एक डाउट बता सकूँ और जो स्पेसिफिक जानकारी, जो सही जानकारी होगी वही दूंगा। अगर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं अगर श्योर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं कह दूंगा कि इस जानकारी मुझे नहीं है, आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछें। लेकिन जो मेरे अनुभव से पता है, जो सही है, सटीक है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी सहायता हो जाए। इसमें तो आपको करना चाहिए, एक विद्यार्थी धर्म निभाना चाहिए, आप उनको भेज सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और रेगुलर क्लास के लिए तैयार रहिए। बस अब क्या करना है, पढ़ाई करना है, तैयारी करना है एग्जाम्स की, तो रेगुलर क्लास की तैयारी करिए, जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, फॉर्म भरिए आराम से, सुकून से, फिर हम बात करेंगे आगे। सो जय हिंद जय भारत। Thank you.